ये देखें गाइस, ये देखें, ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। और आज हमारे कुछ आए हैं जी सब्सक्राइबर भी हैं, नेबर भी हैं, जो आज हमारा हमारा विजू विजिट करने आया। ये आया जी हनान, ठीक है जी। और ये आया जी उमर दोबारा। आज फिर कह रहा था मुझे जो मुर्गा लाए वो दिखाना, और ये आ गया मुर्गा। इसको हमने बस ऐसे ही खुला ही छोड़ा हुआ है, और बाकी मुर्गों को हमने बंद कर दिया दाना वगैरह खिला के। इसको हम ये पालक डाली हुई है, अभी कुछ और डालूंगा। लेकिन जिसके साथ हमने इसका पेयर बनाना है, ये आ गई वो फीमेल, ये उसके साथ बाहर नहीं मिल रही। और इसको हम ये पकड़ेंगे और बाहर उसके साथ छोड़ेंगे। इनकी ये जो कल लड़ाइयाँ हुई थी, आज मुर्गी उससे डर रही है और मुर्गा इससे डर रहा है। लेकिन अब क्या बनेगा इनका, इनको आपको इकट्ठा करके दिखाता हूँ। वो देखें, वो मुर्गी डर के ऊपर चली गई है और ये मुर्गा नीचे खड़ा हुआ। ये मुर्गी नीचे उतारो, मुर्गी नीचे उतारो, मुर्गा भी डरता है। और ये जो हमारा सब्सक्राइबर आया है नान, हम इसको बोलते हैं या बुजुर्ग उतारता है, ये भी जब मुर्गी नीचे उतरेगी ये फिर देखिएगा इन दोनों के क्या हालात वाकयात होते हैं। और ये देखें गाइस, ये देखें, और ये हमने इसको किया, और ये देखें, ये मुर्गी उससे डर रही है, मुर्गा उससे डर रही है। ना करो ना स्टिक उनके आगे बार बार, अब बकर ना छेड़ो उनको। और अब कोशिश तो मैं करता हूँ कि इन दोनों को पालक इकट्ठी एक जगह पर डालूं, ताकि ये दोनों खा लें पालक और फिर आपस में मैनेज होने की कोशिश करें। लेकिन जो कल से इनकी लड़ाई थी वो तो अब काफ़ी तौर पर जो लड़ाई तो नहीं कर रहे, उसका फ़र्क पड़ गया हुआ है। लेकिन अब जो इनको इकट्ठा करना है, इनका पेयर बनाना, उसकी तो टेंशन है हमें। और ये देखें, ये फिर आया दोनों इकट्ठे, वो मुर्गी इससे काफ़ी डरी हुई है। ये देखें, ये मुर्गी ना करो बुजा, ना करो, छोड़ दो, खुद ही हो जाएंगी सही। और ये जो मुर्गी है अभी तक ये नहीं हो रही सही इसके साथ, जो लड़ाई थी लेकिन वो नहीं कर रही, लेकिन उससे डर गई हुई है काफ़ी। और ये मुर्गा भी जो डरता था अभी फिर डर रहा है, लेकिन लड़ नहीं रहे। अब क्या होगा इनका, क्या नहीं, इसका भी दिखाते हैं। इसके लिए मैंने एक पालक डालने के डिसाइड की, इनको पालक डालते हैं इकट्ठी, जैसे ही पालक खाते जाएंगे तो जब एक दूसरे को देख करेंगे इंशाल्लाह, फिर वैसे वैसे ही इनका मैनेज हो जाएगा आपस में इंशाल्लाह। अब पालक का आटा की वीडियो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। और दोस्तों इनको पालक तो मैंने काट के डाल दी है, ये देखें, और ये कुछ इन्होंने खा भी लिया साथ साथ। अब ये मुर्गा जो है मुर्गी के करीब जाता भी है, लेकिन मुर्गी डरती जा रही है। कल जो लड़ रही थी उससे तो काफ़ी फ़र्क है। और ये देखें, ये मुर्गा फिर गया उसके करीब, इसको थोड़ा बहुत अपना दिखाता है गुस्सा भी। और ये देखें, ये हमारा छोटू उस्ताद, उसको कहता है क्यों मारता है हमारी मुर्गी को। और ये देखें, ये आगे ही उसको कह रहा था तू पाडल हो गया, मुर्गे को यूं बोल रहा था कि तू मुर्गी को मारता जब यहाँ लड़ते हैं। तो उसके लिए अभी जो हमारे बाकी मुर्गे वगैरह हैं, उसके लिए मैंने मंगवाया है जी ये नीचे से तेल सरसों का, सब मुर्गों की तकरीबन जो हमारे बेंटम है और जो दूसरे वाले हैं उनकी भी जो कलगी हैं वो हो चुकी हैं जी वाइट। तो ये तेल वगैरह हम लगाएंगे पकड़ के उनको सबकी कलगी वगैरह पे, तो इंशाल्लाह वो फिर बेहतर हो जाएंगे। तो उसके लिए भी मुर्गों को दोबारा निकालना पड़ेगा, मैंने अभी उनको बंद किया। बाकी सारे से केले बेचारे को मारते हैं, लेकिन अब ये इसके साथ तो मैनेज हो गया, बाकी लड़ते नहीं है बस। हाँ जी, ये लड़ता है इसके साथ, कैसे लड़ता है, अच्छे लड़ता है। इसको बोल ना लड़ा करे, इसको बोलो अब बकर नहीं लड़ते। और ये मुर्गे से डर गया था अभी कि ये और गाइस ये देखें, ये फिर इसके साथ इसको वो गई अंदर, वो उसके अंदर चली गई, उधर से रास्ता बना हुआ था। नहीं नहीं मुर्गी निकाल लो बस बाहर, इधर से तरपाल पीछे करके निकाल लो ना। तो दोस्तों अब बाकी मुर्गे वगैरह को भी पकड़ना है, हम सबसे पहले इस मुर्गे को पकड़ेंगे जो लेके आए हैं, ठीक है जी, ये इसको। और साथ हम पकड़ते हैं अपनी दूसरी बारी जो तीन मुर्गी है, इन दोनों को पकड़ के तो इनका हम तेल वगैरह लगाते हैं कलगी पे। और ये बस मुर्गी पकड़ने गए और अंदर शोर देखे कैसा शुरू हो गया, क्या हो गया। अबू बकर ने इसको इस तरह पकड़ लिया। अच्छा जी, अबू बकर ने इसको पर से पकड़ लिया था, ये इसीलिए हमारी जो मुर्गी है चीखे मार रही थी। तो अभी हम पकड़ते हैं इसको और हम लगाते हैं कलगिन सबके। और ये देखें, ये जो कल लड़े हैं इसके ये चोट भी लगी हुई है किसी जगह पे, इधर ये लगी है, इधर ये इसके इधर कहीं लगी है,
यहाँ इसके ये कहीं क्या चोट लगी थी हमारी मुर्गी के, है? रात को मैं देखने आता तो ये देखो, ये चोंच के करीब हुई है, लाल लाल जगह, ये मेरे देखें ये इधर हुई है और चाचू थोड़ा सा उसके पीछे ये हुई है। चाचू चलें कोई बात नहीं। ओए तो दोस्तों अब ये सारा पानी मेरे ऊपर गिर गया है, ये तो भी मैं साफ कर लूंगा। अब इनको कलगी के ऊपर तेल लगाने की बारी है, इनको पकड़ता जो साथ साथ तेल लगाते हैं। और दोस्तों अब बारी आती है जी हमारी सील मुर्गी की, जो हमने मेल के साथ रखनी है। मेल को तो हमने तेल वगैरह लगा दिया, अब इसकी बारी है। अब इसको तेल लगाते हैं और इसकी भी वीडियो आपको साथ साथ दिखाते हैं। इसकी कलगी काफी वाइट हो चुकी है वैसे तो। चल तो दोस्तों हमने अपने ये दोनों सील का जो पेयर है इसका तो हमने लगा लिया है जी तेल इनके कलगियों पे। और अब हमारे जो दूसरे बांदना है देसी वाले, दूसरे परिंदे वगैरह मिस्री जो है मुर्गियाँ, उनको तेल लगाना है। और आज हम अपने बैंटम्स को भी बाहर निकालते हैं थोड़ा सा वो फिर लें, और उनके भी आज कलगियों वगैरह पर तेल लगाएंगे। और ये जो आए हुए हैं ना वो मुर्गा इनको कुत्ता समझ रहा है, उनको जान खा ली है इसकी इन्होंने आज, जिसका हिसाब कोई नहीं, यार तंग किया हुआ है इन्होंने कम से आके, कोई 2 घंटे हो गया मेरा दिमाग खा रहा है। अब सुकून है? नहीं अभी नहीं सुकून हुआ इनको, बड़ा तंग कर रहे पर है छोटे भाई, चले कोई बात नहीं, इतना तो शुगर बनता ही। अब इन दोनों का बंद करते हैं और बाकी सब को तो इसकी वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों उन दोनों को लगाने के बाद हमने तेल जो लगाया है, अब बारी आती है हमारी ये व्हाइट वाली मुर्गी की, ठीक है जी। फिर ये सारे हमने दोबारा से खोल लिए हैं, इन सबको लगाते जाएंगे हम तेल कलगियों को। ये देखें ये हमारा जो शेरू है इसकी कलगी कैसे व्हाइट हुई पड़ी है, ठीक है। हम इनको कलगियों को तेल लगाते हैं और फिर इनको इस तरह ये बुजुर्ग बोलता जाऊंगा पकड़ के पीछे बंद करता है उसको साथ साथ, और हम इसको एक एक पकड़ते जाएंगे। और फिर हम अपने बैंटम को भी आज निकाल के उनके भी कलगी को तेल लगाते हैं। आज हमारा ये दिन था। और दोस्तों हमने वो जो व्हाइट वाली थी उसको भी बना लिया तेल लगा लिया। अब हमने जो पकड़ी है अपनी इसको भी लगाते हैं तेल। और हनान हमने इनके नाम रखने हैं, नाम तो नहीं जहन में आता सारे परिंदों के, रखने क्या क्या नाम रखे? चुटकी, ये इसका नाम कह रहा है जी चुटकी, लेकिन हम इसका नाम चुटकी नहीं रखेंगे, वो वाइट वाली का रखते हैं। हाँ, इसका नाम नहीं बता, इसका नाम अभी याद नहीं। चले ये भी हनान को इसका नाम। और हनान भाई ने टाया हमें जी नाम सजेस्ट किया कि आप डालें कि आप वो चुटकी नाम रखें, तो अब हम चुटकी नाम रखेंगे अपनी वाइट वाली मुर्गी का। और इसका नाम हम कोई और सोचेंगे, बाकी मैंने भी कुछ सोचे हुए वो भी हम साथ साथ अब नाम, अब बल्कि आज से व्हाइट वाली मुर्गी का नाम चुटकी हो गया ना, हमने बोल दिया तो उसका नाम हमने आज से चुटकी रख दिया, बाकियों के नाम भी हम रख देंगे। और दोस्तों हमने वो जो दूसरी मुर्गी पकड़ी थी उसको भी तेल लगा दिया। अब हमने ये गंजी पकड़ी है अपनी मुर्गी, इसका भी हमने नाम क्या रखना समझ नहीं आ रही, चुटकी नहीं चुटकी तो दूसरी व्हाइट का नाम है इसका। तो अब इसको तेल लगाते हैं, उसकी वीडियो भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। और दोस्तों अब हमने पकड़ी थी अपनी ये ब्राउन वाली मुर्गी, अब हम इसको लगाते हैं कलगी को तेल। शेरू को तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा था लेकिन उसने मुझे चोट मारी है, तो उसको फिर मैंने एकदम से छोड़ दिया था। अभी उसको अगेन पकड़ेंगे, कोई कपड़ा वगैरह बांध लूंगा मैं हाथ के ऊपर, और फिर उसको हम बांध के उसके साथ कपड़े को हाथ के ऊपर बांध के फिर उसको तेल लगेंगे। इसकी बारी आती है तेल लगाने की, उसकी वीडियो आपको दिखाते हैं। से रुमाल निकाल लिया जी अपनी, अब इसको बांधूंगा मैं अपने हाथ के ऊपर ताकि वो जो शेरू है वो अगर काटे वगैरह फिर तो दर्द ना हो, तो उसको पकड़े और तेल लगाए। वो जानवर है वो तो काटेगा तो कोई बात नहीं उसकी, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी खुद ही कर लेंगे पहले। दोस्तों मैंने तो ये हाथ के ऊपर रुमाल बांध लिया है और अब ये पकड़ेंगे जी हमारे शेरू को। और ये देखिए ये अब्दुल हनान का और अबू सर का इम्तिहान है आज, ये क्या होगा। और ये अबू सर ने पकड़ लिया, मुझे पकड़ा दो बिठूंगा ना मारे, मुझे पकड़ा दो, मुझे पकड़ा दो। ये दोस्तों जो मैंने रुमाल बांधा था वो गेंद खोल दिया, वो नहीं था काम दे रहा। मैंने ये ग्लव्स पहने अपने हाथ के ऊपर, ये जो प्लास्टिक टाइप होता है, अब इसको पहना है और इसको हम करेंगे यूज शेरू को तेल वगैरह लगाने के लिए, ताकि वो चोंच वगैरह मारे तो इस पर फर्क ना पड़े। काफी ये मोटा होता है तो इसीलिए, क्योंकि वो पकड़ा भी था तो इन दोनों ने फिर यही दो पकड़ेंगे और देखते हैं कि क्या बनता है।
चलो कोई बात नहीं है, फिर पकड़ो। ये बच्चे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। चलो 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 चलो, ये देखें पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। और ये देखें जी, हमारे दो जवान इसको पकड़ने की कोशिश में है। और ये देखें जी, ओ फाड़ लो, फाड़ लो फाड़ लो यार, पकड़ लो, क्या कर रहे हो तुम लोग। और ये देखें जी, हनान कामयाब हो गया इस मरतबा, पिछली मरतबा गुजर हुआ। चलो, और दोस्तों बड़ी मुश्किल से हमने ये पकड़ा जी, अपना मुर्गा शेरू। अब इसको तेल लगाते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या होगा। रदे मरिए, हनान हमारा तो बेचारा थक गया, और पीछे जो मैं खड़ा वो नहीं थका। चल यार, और दोस्तों इसने मुझे फिर मार दिया मेरे हाथ के ऊपर चूंच, और मैं इसको कलगी को तेल ही लगा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं लगाने दे रहा। मैं कह रहा था कि तेल कलगी लग जाते इसकी। ये देखें ये कैसे माशाल्लाह, ये देखें अब कैसे लाल हो गई है। लेकिन मैं कह रहा था जिसकी दाढ़ी है ना, दाढ़ी को भी मैं एक मरतबा लगा देता। और ये देखें इसको फिर गुस्सा आया हुआ है। ओए ना कर, कटेगा। ये देखें गाइस, ये देखें ये और ये देखें फिर। मैं कह रहा था इसके लग जाता तेल तो ये एक मरतबा सही हो जाता। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मरतबा इस हाथ पे भी कोई ग्लव्स वगैरह पहन के ना इसको फिर तेल लगाना पड़ा करेगा। लेकिन अब क्या करें, मुझे ये पसंद ही बड़ा है, मैंने इसीलिए ये रखा हुआ है। और बाकी तो माशाल्लाह ये देखें ये फिर तो दोस्तों ये आ गए जी हमारे बेंटम्स का पेयर आ गया। अभी तक इन्होंने एक अंडा भी नहीं दिया, पता नहीं क्या मसला है। जो इन्होंने अभी तक जब के मैं लाया उन्होंने एक अंडा नहीं दिया। और ये देखें ये हमारा एक और बेंटम आ गया वाइट वो पीछे हो गया दोस्तों। तो अब मुझे ये नहीं समझ आई कि उन्होंने अभी तक अंडा क्यों नहीं, तकरीबन हमें एक से डेढ़ माह हो गए इनको अपने पास रखे हुए, अभी तक एक अंडा नहीं दिया। तो अभी आज इनको थोड़ी देर छोड़ेंगे, ये ऐसे ही घूम फिर दें थोड़ा सा, और इनकी भी कलगियों पर तेल लगाते हैं। काफ़ी वाइट हो चुकी है इसकी कलगी, ये देखें ये हमारा जो मुर्गा है इसकी कलगी देखें, और ये हमारी मुर्गी की भी देखें, ये काफ़ी हो चुकी है जी वाइट। और तो अब इसका क्या करेंगे, अंडों का मुझे नहीं समझ आ रही, काफ़ी देर हो चुकी है इन्होंने अंडे नहीं दिए। तो अब इनको पकड़ते हैं और कलगी को इनके भी तेल लगाते हैं। और दोस्तों हमने जो बेंटम फीमेल थी उसको लगा लिया तेल उसकी कलगी को, अब हम इसको लगाएंगे ये जो मेल पकड़ा है, और फिर इसको भी बंद करते हैं। और आज वो जो हमारा सील मेल आया है उसके साथ हम अपनी फीमेल सील को भी छोड़ते हैं, और उनका देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। थोड़ी देर उसको भी साथ छोड़ के ना मैं बाहर वेट ही करूँगा। और दोस्तों ये जो तेल लगानी थी कलगी को, हमने ये सारे काम कर लिए हैं जी मुकम्मल। और ये हमारे शिराज भाई हैं जिनकी तरफ मैंने ऐसे मुर्गा किया तो वो डर गए हैं। अब इसको भी बंद करते हैं, मगरिब का भी टाइम हो रहा है, शाम हो चुकी है, काफी दाना वगैरह इनको डाल दिया, वह सब ने खा पी लिया और उसकी वीडियो आपको दिखाते हैं जो हमने अभी लोग एंड करना है। दोस्तों अभी एक आइडिया याद आया है कि चलो बच्चे भी आए हुए हैं, चीजें देखनी थी इन्होंने तो उनको दिखा भी देते हैं। साथ हम यहाँ पर ना ये छट्टा एक और रख देते हैं। अच्छा सब्र करो मैं दिखाता हूँ, ये बच्चे आए हुए हैं वो भी कह रहे हैं हमने देखनी है चीजें, उनको भी दिखाते हैं। देख के एक और फट्टा मेरे पास ऐसे लकड़ी का पड़ा हुआ, उसको यहाँ इंटे जोड़ के ऐसे ऊपर कर देंगे ताकि जो ये सीन होगा इसका ये फट्टे वाला, यहाँ इंटे आ जाएंगी इस जगह पे सारी, और इस जगह के ऊपर ये फट्टा आगे एक फट्टा मोर रखेंगे, और क्रेट वगैरह यहाँ रख के तो ट्राली वाला उसमें डाल देते हैं ताकि अगर उन्होंने अंडे वगैरह देने हो कबूतर वगैरह वो तो इधर आके दे सके। ठीक है जी, अब उसकी वीडियो आपको साथ साथ दिखाते हैं। ये देखिए जी हमारी डावे का आके बैठ भी गई है। तो दोस्तों अब बारी आती है जींटे जोड़ने की, वो इंटे में यहाँ जोड़ने लगा और उसकी भी वीडियो आपको दिखाता हूँ साथ साथ।
लगाया है जी एक फट्टा और ये करेट इसके ऊपर रख दिया। पराली इसमें जो पड़ी हुई थी वो खरगोश खा गए अब मेरे ख्याल से, तो ये बस हमने ऐसे ही इन दोनों फटियों को ऐसे जोड़ दिया। तो इसके ऊपर हम यहाँ ला के ना इनके दाने के लिए कोई चीज़ रख देंगे ताकि कबूतर वगैरह यहाँ आके डब वगैरह खाना खा लें, कोई एक आधी चीज़ यहाँ भी रख देंगे। और चलते हैं जी, अब ये जो बच्चे आए हैं देखते हैं, अभी ये थक गए हैं काफ़ी हमारे परिंदों के साथ खेल खूल के। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, उल्टा बोल दिया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आप तक हो रही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक अल्लाह हाफिज़।